अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FY डिजिटल। मैं हूं हसान और मैं हूं अदीब, और आज हम फिर से रिएक्शन वाली वीडियो लाए हैं जिस पे हम रिएक्ट करेंगे कि हमारे उबर के जो ड्राइवर्स हैं और फूड पांडा के जो ड्राइवर्स हैं, राइडर्स जो हैं, वो कितने फनी हैं और हमारी पब्लिक कितनी ह्यूमरस है। मैं अदीब तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ चीज़ मंगाई है या कुछ राइड मंगाई और तुम्हारे साथ कुछ फनी हुआ? पानी तो इतना कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहीं करीब जाना हो ना तो राइडर ऐसे कैंसिल करते हैं जैसे उनके पास राइड भरी पड़ी है, आते ही नहीं मतलब 100-200 की राइड है तो आते ही नहीं, मतलब नखरे भरे भरे हैं वो। काम तो हमारे पास पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत है ना, ये क्यों काट देंगे हम लोग, ऐसा ही चीज़ है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पोस्ट हैं, हमारे पास जो चैट्स हैं, उसमें कितना फ़न है। यहाँ चलें पहली चैट करते हैं हम लोग उबर की। जी भाई कितनी देर है और, यार सॉरी मैं नहीं आ सकता। तो भाई फिर व्हाट्सएप नंबर क्यों दिया, वहाँ ही राइड कैंसिल कर देते हैं, स्टेटस देखने होते हैं। मतलब ये उबर ड्राइवर मुझे लग रहा है काफ़ी ना वो है, एडिक्टिव नहीं होता व्हाट्सएप के, बस हर दफ़ा व्हाट्सएप यूज चेक करेंगे क्या करनी है, तफरी करनी है बस, वो व्हाट्सएप निकाल के अपनी टिकटॉक की वीडियोज़ बनाएंगे और स्टेटस पर डालते रहेंगे, बाकी भी देखेंगे अपनी भी खुद की देखेंगे। बेचारा जो राइडर जो वो खुद बंदा है जिसने बुक कराया है उसकी क्या हालत हुई होगी। खैर दूसरा देखते हैं, ये भी उबर की ही चैट है, फयाज नाम है राइडर का। वेयर आर यू, मैं तो अभी नाश्ता कर रहा हूँ, कितनी देर लगेगी, 3 नान खाने हैं, आपने कब जाना है, जाना तो आज ही है भाई, एक ना एक दिन तो सपने ही चले जाना है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ये तुम्हें क्या लगता है किस से एसोसिएट होगा ये बंदा जो ड्राइवर है, राइडर जो है? 3 नान खा के नहीं मरेगा तो कब मरेगा, इतना खा रहा है। मुझे लगता है बयान काफ़ी सुनता है ये, नो ऑफेंस, लेकिन मौलाना तारिक जमील और ये जब है तो ये उनसे कहे एक दिन जाना तो है ही सबको, तो सफर कर लें थोड़ा कुछ, हाँ कुछ खा के ही, नहीं 3 नान खा के ही जाए, इस तरह कुछ सीन है। आए फिर से आते हैं इस पर, कैश और कार्ड, कहाँ जाना है, गुलशन चौरंगी, क्या हुआ आ रहे हो या रिक्शा कर लो, रिक्शा कर लो। नहीं जाएगा यार ये, मतलब ये तो सही बेइज्जती हो गई बंदे की, ये वो मेरा वाला ही सीन है यार। हाँ मतलब आना है भाई, चलना तो चलो, नहीं चलना तो नहीं चलो, ये वाला सीन है, या तो रिक्शा ले लो। अफसोस हुआ यार, मतलब क्यों ऐसा लोग क्यों करते हैं भाई, तुम्हारे मामले में क्या होता है, या तो घर से लड़के आते हैं, क्या होता है, इनके पास पैसा बहुत आ गया मुझे लगता है, पैसा बहुत राइड आ रही है, बहुत राइड आ गई मुझे लगता है। बेचारा ये जो हैदर खान है जिसने राइड बुक कराई थी, ये तो बेचारा कम में चले गया होगा, आइंदा से तो नहीं कराएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये रिक्शा ही कराएगा आइंदा। पेंसिल क्या पेंसिल, आपकी राइड कैंसिल, बाय बाय। ये तो कॉमेडियन लग रहा है, पता है मुझे कुछ लग रहा है, स्टैंडअप कॉमेडियन था बेचारा, इतनी हमारी गुर्बत फैल गई ना कराची में और पाकिस्तान में, मुझे लग रहा है कि ये तो स्टैंडअप कॉमेडियन है तो इनको पता है कि हम किस टाइम पे क्या टाइम मारना है और क्या जोक करना है इस टाइम पे। तो मतलब बेचारा हम बचपन में करते पेंसिल पे, तो शादी कैंसिल, तो अब बेचारे की राइड कैंसिल हो रही है, शादी तो पता नहीं हुई नहीं हुई इसकी, लेकिन राइड कैंसिल हो गई थी। फेस 5 ऑल राइट, कम फास्ट एट कोलाची, बुक हेलीकॉप्टर नेक्स्ट टाइम। ये वाला हो सकता है, मतलब राइडर का कहना है कि भाई क्या इतनी जल्दी क्या, सबर करो ना, मतलब आ जाएंगे हम लोग जहाज में आ जाओ। क्या हम पाकिस्तानी को भी मसला यही है कि हर चीज़ ना जज्बाती हम बहुत हैं, हमें हर चीज़ जल्दी में चाहिए, तो अब आपको अगर जाने जल्दी जाना तो अंदर से हेलीकॉप्टर कराना भाई, प्लीज़ याद रखें आपके राइडर को ना भूलना। हाय हेलो वेयर आर यू गोइंग, काइंडली चेक द मैप, ओके देन द मैप विल कम एंड पिक यू अप नेक्स्ट टाइम। ये भाई मतलब तो ऊपर से आ रहे भाई, माइक ड्रॉप जो करते हैं ना, माइक ड्रॉप, ये वाला माइक ड्रॉप हुआ है इनके साथ, तो मतलब ये फुल ऑन बेइज्जती हो गई इसकी कि भाई मुझे गाइड नहीं कर सकता, ठीक है माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है मैं खुद जाऊंगा, जो चलना है चलना है आपको। कीप काम एंड कर रहा हो, ओके कंप्लेन ना करना, सुसाइड कर लूंगा और मैं कत्ल आपके सर होगा। नस काट लूंगा मैं। इसने लिखा भी उस स्टाइल में, आधा कैप्स आधा लोअर कैप्स, हाँ, फुल स्वैग बॉय, स्वैग बॉय, मतलब ये वही सीन है, मतलब वो के फुल ना, मतलब होता है ना हम लोग, अगर तुमने मुझे
मैसेज नहीं गया, सेंड नहीं गया, तो मुझे ऐसा लगता है कम में ही था पहले, बहुत ये कर चुका है ऐसा सीन, ये वाला सीन। कहाँ जाना है सखी असल, ये कहाँ है नॉर्थ नाज़ाबाद, यू सॉरी नहीं जाऊंगा, ये मुझे कोई डीएचए ड्राइवर जो है रहता डीएचए क्लिफ्टन की तरफ है, जिसने नॉर्थ नाज़ाबाद को बोला कि भाई तुम बहुत लोअर क्लास हो, मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा हूँ, इतना गंदा एरिया है वहाँ पे, पानी भी नहीं है, कचरा भरा भरा है वहाँ पे सारे, मैंने वाला शर्मा रहा होगा कि मैं अगली दफा किसी को नहीं बताएगा कि मुझे नॉर्थ नाज़ाबाद जाना है, वो कहीं और ही बताएगा, कुछ और ही बताएगा। Nick Watt, ABC News. I'm stuck in traffic. I'm on my way. Okay, I have arrived. Coming in 2 minutes. I'm in washroom. अच्छी जगह बैठे हैं। अरे वाला बंदा वॉशरूम में भी ना जाए यार, वाला क्या करे अब। लेकिन बंदे को जरूरत क्या थी बताने की वॉशरूम में बैठा है वो बंदा, बोल से भी सकते थे कि भाई 5 मिनट 10 मिनट रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, हमारी आवाम भी तो फारिग ही है ना फिर आखिरकार, उसने बोला जब उसने बोला बात में जब फारिग बैठी हुई है तो क्यों ना चैट कर ही लें आगे बढ़ाई लें चैट। According to SOPs, only 3 members allow with face mask. Sorry, I can't. Cancel ride or book a second one. इतनी तो SOP की औलाद, जितनी तेरी औकात है उतने रहे। Behave yourself. औकात तेरी इतनी होती तो तेरे पास गाड़ी होती। सेल्फ रिस्पेक्ट कितना धज्जियाँ हो रही हैं यहाँ पे, मतलब अब वो पैसे जमा करवा करके भले छोटी से छोटी चिंची भी ले ले, चिंची ही ले लेगा लेकिन ऊपर कभी बुक नहीं कराएगा, वो चिंची पे जाएगा या तो गाड़ी लेगा, लेकिन गलत बात है यार ये, जो अगर हमारे वीडियो देख रहे राइडर जो है बिल्कुल ऐसा नहीं करा करें यार, हम लोग भी कुछ हमारे अंदर भी दिल है, हम लोग भी कुछ चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, लेकिन इंस्टा की बेइज्जती नहीं करा करें प्लीज़। कहाँ पर जाना है हैदरी, आ रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो हैदरी भाई, हैदरी तो हमें जाना है, नाज़ाबाद नंबर 3 से पिक करना है, वापस आओ, भूल गया। मुझे एक गाना याद आ गया, वो गाना होता था डोडा डोडा, मतलब अगर नहीं को नहीं पता तो ये एक नशे वाली चीज़ है, जो ये नशा करते तो पता नहीं चलता कि होता क्या है, मैं ये नहीं समझेगा कि मैं भी करता हूँ लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो ये मुझे ड्राइवर वही लग रहा है कि इसने कोई गेम है, नशे वशे गेम है, तो नहीं पता कि ऐसे ही चला रहा है वो, पर उसने बोला चलो राइड ऑन करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो एक कराची घूमने आया हुआ है, ये राइडर्स को पिक करने नहीं आया, राइडर को पिक करने का। मैकडोनल्ड डीएचए फेज 2 जाना है, ओके मैम, मैम इट्स द वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम योर पिकअप पॉइंट, इज इट सो, इट्स टेक 20 मिनट्स ऑन फूट, 3 मिनट्स 5 मिनट्स बाई कार, ओके आई सजेस्ट यू शुड वॉक। मतलब एक तो मैकडोनल्ड्स भी जाना है और फिर पैदल, जो फिर क्या फायदा यार, मतलब जब डाइट ही नहीं करनी हमें, गलत बात, फिर से वही, अगर ये तो मतलब मैम बोला है तो लड़की होगी बेचारी को बहुत बुरा लगा होगा कि मेरी वेट के बारे में ऐसा कोई बात कर रहा है, बॉडी शेम कर रही है। खा जाना है, खा जाना है भाई, खा क्यों जाना है, नाश्ता नहीं करा आपको, खा जाना है, बाकी नाश्ता नहीं किया इसने। मुझे ये काफ़ी ना थोड़ी मतलब वो लग रहा था कि जो बंदे होते हैं ना बेचारे को नहीं पता होता यार पूछना है क्या, बस वो एक कॉपी पेस्ट करके मैसेज भेज रहे होते हैं, कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है, अभी भाई पूछो तो सही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे जो कैप्टन हैं सारे, इनके अंदर इतना ह्यूमर भरा हुआ है ना, अगर इनको स्टैंड अप कॉमेडियन बना दिया जाए ना तो ये लोग तरक्की करेंगे, मुझे लग रहा है ठीक ठाक पैसा कमाएंगे, ठीक ठाक पैसा कमाएंगे। मतलब क्यों, मतलब ऐसा क्यों, मेरे ख्याल से ना या तो उनके पास टाइम बहुत होता है तो इसलिए करते हैं, और ये जो रोस्टिंग करते हैं बाकी लोगों को, तो तुम्हें क्या लगता है? वैसे ये यूट्यूब ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, जो डक्की भाई है, कैरी मिनाटी, ये सब लोग बहुत वायरल होती हैं, तो मैं तो वहीं से है, और कराची के वहाँ वैसी उम्र बहुत है, बहुत ज़्यादा है, या तो टाइम बहुत है इनके पास, फरागत भी है ना, क्योंकि बेचारे को राइड बैक नहीं मिलती तो ये लोग फरागत में है ना, लोगों को तफरी करना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो यार कोई नहीं, इन्हीं से तफरी करते हैं। तो आप हमें बताएं कि आपको इसमें से क्या फ़नी लगा, और आपके पास कोई ऐसी कोई फ़नी चैट है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपके पास लगे कि बहुत फ़नी है, तो नीचे कॉमेंट्स करें, या तो उस पिक्चर का पोस्ट हमें भेज दें, तो हम ज़रूर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर करेंगे और करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो ऑन यूट्यूब चैनल FYI Digital। तो फिर कभी मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।